ओम शांति। दाल स्पीड कुक की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम दाल स्पीड कुक की किचन में आलू पालक करी बनाना सीखेंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। आज हम आपको कोई इंग्रेडिएंट नहीं बताएंगे, आज हम आपको डायरेक्ट आलू पालक की करी बनाना बताएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आलू पालक की करी कैसे बनाते हैं। आलू पालक की करी बनाने के लिए हम एक पैन में 1/4 कप ऑयल लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डालेंगे, क्यूमिन सीड्स, और साथ में ये हम 1/4 टेबल स्पून हींग डालेंगे। इसके साथ में ये अनियन और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने एक अनियन, अनियन गार्लिक के पेस्ट में मैंने ये एक अनियन और 4-5 कली लहसुन के क्लोव लिए हैं। और अनियन गार्लिक के पेस्ट के साथ में ही ये हम 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से गुलाबी होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें ये 2 टमाटर और 2 चिली की मैंने प्यूरी बनाई है। ये मैंने मीडियम साइज के टोमेटो और 2 चिली ली है, जिसकी मैंने ये प्यूरी बनाई है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। इस मसाले को हम 5 मिनट तक और भूनेंगे। मसाला भूनने के साथ में ही स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे, इससे मसाला लगेगा नहीं। ये मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें ये पालक डालेंगे। ये मैंने 1/2 kg पालक को उबाल करके पीस लिया है। पालक की अच्छे से मैंने प्यूरी बना ली है। इस पालक को मैं इस भुने मसाले में डाल दूंगी। अगर आपको पानी की थोड़ी सी जरूरत लगे आप पानी डाल सकते हैं। अब बॉईल आने तक हम वेट करेंगे। जब बॉईल आ जाएगा तब हम ये बॉईल्ड पोटैटो इस पे डाल देंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज के बॉईल्ड पोटैटो लिए हैं, जो हम इस करी में डाल देंगे। आलू पालक की करी राइस और रोटी दोनों के साथ ही बहुत अच्छी लगती है, लेकिन राइस के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। ये पालक की करी में एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ये उबले हुए आलू डाल देंगे। ये उबले हुए आलू हमने हल्के से मैश कर लिए हैं और इस करी में डालेंगे, और साथ में ये गरम मसाला भी हम इसमें डालेंगे और अच्छे से चला के इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। 5 मिनट ढककर पकाना है, फिर हमारी ये आलू करी तैयार हो जाएगी। पालक की करी बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे बना करके जरूर ट्राई करिएगा। और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आलू पालक की करी कैसी लगी। आपका कमेंट मेरा उत्साह बढ़ाता है।
और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन लोगों ने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।